नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मीम पीजी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। जब जब किसी मीम टोकन्स की प्राइस के बारे में बात होती है तो यहाँ पे सबसे जो मेजर इशू होता है वो होता है सप्लाई का। अब यहाँ पे शिबा आर्मी के साथ भी यही इशू है और यहाँ पे यही क्वेश्चन राइज होता है कि क्या शिबा इन कॉइन की बर्निंग हो रही है, क्या शिबा इन कॉइन की सप्लाई कम हो रही है, क्या शिबा इन कॉइन फ्यूचर के अंदर और मुकदार के अंदर बर्न हो सकता है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शिबा इनू बर्न। अभी यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर change.org की इस पेटिशन को सिग्नेचर नहीं किया है तो भैया ब्राय मेहरबानी इस सिग्नेचर को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर 2,90,000 से ज्यादा सिग्नेचर हो चुकी है। और यहाँ पे यह भी रूमर निकल के आ रहा है कि शिबा इनू कॉइन इस पेटिशन के सक्सेसफुल होने के बाद रॉबिनहुड के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट हो सकता है। सो अब हम बात करते हैं शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पे स्टीवन कूपर, जो कि यूएसए का एक बहुत ही अच्छा सिंगर है जिसके बारे में काफी मुकदार के अंदर चर्चा होती रहती है, देन यहाँ पे उसकी टीम की तरफ से एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फैसला किया गया है शिबा इनू कॉइन की बर्निंग को लेकर। अब यहाँ पे शिबा आर्मी के अंदर जो कम्युनिटी है वो काफी हद तक स्ट्रांग है और कंटिन्यूसली अपने कॉइन को सपोर्ट करने के लिए डेवलपर टीम की तरह ही काम कर रही है। और यहाँ पे बार बार शिबा इनू कॉइन की बर्निंग को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स भी आती रहती है, जो कि कम्युनिटी के अंदर शिबा इनू कॉइन को बर्न करते रहते हैं। अब यहां पे स्टीवन कूपर की तरफ से यह बताया गया है कि वी ऑन शिप, वी आर इन दिस टूल, वी हैव क्रिएटेड प्लेसेस टू हेल्प बर्न, ऑल आर्टिस्ट हैव एग्रीड टू डोनेट अप टू 20% पर स्ट्रीम बेस्ड ऑन द करंट प्राइस ऑफ देयर रॉयल्टीज टू द बर्न स्ट्रेटजी। Each month we have burned and post playlist can be found at। अब यहाँ पे भैया आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट को तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है जिसका नाम है शिप बर्नर प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे भैया म्यूजिक के साथ शिबा इनू कॉइन की बर्निंग होगी। अब जितने ज्यादा इसकी स्ट्रीमिंग के अंदर लोग जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा इसकी म्यूजिक को लोग सुनेंगे, उस मुकदार के अंदर शिबा इनू कॉइन के अंदर 20% निकाल के शिबा इनू कॉइन को परचेज करके बर्न किया जाएगा। अभी यहाँ पे भैया ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसके अंदर शिबा इनू कॉइन की बर्निंग को लेकर काफी मुकदार के अंदर चीजें आ रही है। अब यहाँ पे शिबा इनू कॉइन म्यूजिक सुनने के साथ भी बर्न हो रहा है और यहाँ पे आपको पता है कि शिप सक्सेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी शिबा इनू कॉइन की बर्निंग को लेकर कहीं ज्यादा यहाँ पे मेथड आ चुके हैं जिसके अंदर नाउ पेमेंट्स के थ्रू भी जो ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर भी शिबा इनू कॉइन बर्न होता है। देन यहाँ पे भैया चेंज नाउ की तरफ से भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट किया गया है शिप आर्मी को और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने जो डोज कॉइन है उसको फ्लिप करो, शिबा इनू कॉइन परचेज करो, उसके दौरान भी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें भी शिबा इनू कॉइन बर्न होगा। सो भैया इकोसिस्टम देखो यार, काफी मुकदार के अंदर डेवलपर टीम भी काम कर रही है इसी सेम चीज के ऊपर। देन यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर देखो आप कितनी ज्यादा सपोर्ट है इस कॉइन को और यहाँ पे कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मुकदार के अंदर प्राइस को इंक्रीज करवाने के लिए कम्युनिटी भी काम कर रही है, डेवलपर टीम भी काम कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पे रॉबिनहुड की पेटिशन को देखो, 3 लाख लोगों ने सिग्नेचर बना के सक्सेसफुल बनाना है, कंटिन्यूसली इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है। उसके अलावा यह भी सुनने में आ रहा है कि सतोशी कुसामा ने भी एक ऐलान किया है जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि जो शिबा इनू कॉइन की गेम है वो भी यहां पे भैया लॉन्च हो सकती है। सो आपको मैं यही कहूंगा कि शिबा इनू कॉइन को अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो भैया डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने की भी संभावना है। यह थी शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के बारे में न्यूज। अगर आप इस तरीके की कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट शिबा इनू कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मीम टीच के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।